दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों स्वागत है आपका एक्स मनाना यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि सैमसंग V310 इस मॉडल को आप जो है UMT प्रो डोंगल से किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं। दरअसल ये जो मोबाइल है ये एक मेरे सब्सक्राइबर का मोबाइल है और उनके पास UMT प्रो डोंगल है और उन्होंने मुझे कहा भाई ये मोबाइल क्या अनलॉक होगा UMT प्रो से। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल होगा, तो ठीक है बोला ठीक मुझे अनलॉक करके दीजिए और मैं परेशान हूँ थोड़ा सा, तो मैंने कहा ठीक है मैं अनलॉक कर दूंगा। तो मैंने उसे TamViewer से उसके कंप्यूटर कनेक्ट किया और इस मोबाइल को मैंने अनलॉक करके दिया। ठीक है तो सबसे पहले आप देखिए इस मॉडल को, ये मॉडल है सैमसंग V310। ठीक है तो इस मॉडल में जो प्रॉब्लम है वो है पिन लॉक का। ठीक है तो इस मॉडल का पिन लॉक को आप किस तरह से रीड कर सकते हैं UMT प्रो डोंगल से वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ में जो है ऑनलाइन हूँ और TamViewer से मैंने उसे कनेक्ट किया है। ठीक है तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा कि जो UMT प्रो डोंगल में जो एवेंजर बॉक्स का जो सेटअप आता है, SPD टूल आता है, क्वालकॉम टूल आता है, तो आपको इस मोबाइल को अनलॉक करने के लिए SPD टूल अनलॉक करना ओपन करना होगा। ठीक है आप सामने यहाँ पर देख रहे हैं ये SPD टूल है, इसे ओपन करना है आपको। तो एवेंजर बॉक्स में सारा टूल मिलेगा आपको, SPD टूल मिलेगा आपको, क्वालकॉम टूल मिलेगा, MTK टूल मिलेगा, जितना UMT डोंगल में मिलता है जितना भी टूल वो सारा टूल इसमें भी आपको जो मिल जाएगा। ठीक है तो UMT में तो SPD नहीं था पहले, SPD उसमें भी आप आया हुआ है और UMT प्रो डोंगल में आप SPD टूल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ सामने देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो एवेंजर जो सेटअप है UMT प्रो डोंगल में चलता है। ठीक है जिनके पास UMT प्रो डोंगल है उसे जो है वो लोग जो है इन्हें यूज कर सकते हैं। तो इस टूल में आपको करना क्या है मोबाइल को अनलॉक करने के लिए, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रीड फोन पासवर्ड, ठीक है ये ऑप्शन है इसमें रीड फोन पासवर्ड, इससे नीचे वाला जो ऑप्शन है ये रीड फोन पासवर्ड। ठीक है फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं रीड फोन पासवर्ड, इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मोबाइल को अनलॉक करने के लिए मोबाइल को ऑफ करना होगा आपको। ठीक है बैटरी निकाल के बैटरी फिर दोबारा लगा दें, मोबाइल ऑफ कंडीशन में रहना चाहिए आपका। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है डू जॉब, ठीक है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल को ऑफ करना है। ठीक है और मोबाइल के अंदर में जो होम की होता है बड़ा सा जो बटन होता है बीच में सैमसंग के कीपैड वाले मोबाइल में, तो जो बड़ा सा बटन होता है ठीक है उस बटन को आपको दबा के रखना है। उसके बाद आपको केबल लगाना है, तो जैसे आप केबल लगाएंगे मोबाइल आपका बूट करेगा, तो उसके बाद आपको होम की को छोड़ देना है। ठीक है उसके बाद इसमें कुछ प्रोसेस चलेगा और कुछ देर बाद जो है यहाँ पे ये पासवर्ड ये टूल जो है रीड करेगा कि उस मोबाइल के अंदर में जो पासवर्ड है वो कौन सा पासवर्ड है। ठीक है आप देख सकते हैं पासवर्ड रीड हो चुका है 1234 1234, ये पासवर्ड जो है ये काम नहीं आएगा। ठीक है ये मैनुअली पासवर्ड है और ये जो पासवर्ड है एक्टिव पासवर्ड, ठीक है 997 ये वाला जो है एक्टिव पासवर्ड है, ये पासवर्ड रीड कर चुका है, यही पासवर्ड आपको फोन में डालना होगा। ठीक है तो फोन में ये पासवर्ड डाल करके आप अनलॉक कर सकते हैं, अनलॉक हो जाएगा मोबाइल को खुल जाएगा आपका। ठीक है उसके बाद मोबाइल के अंदर में जाकर के सेटिंग में जाकर के उसे फैक्ट्री रिसेट कर देंगे तो फिर वो पासवर्ड दोबारा नहीं मांगेगा। तो चलिए वही पासवर्ड आप यहाँ इसमें डाला जा रहा है, मैंने सब्सक्राइबर को बोला था कि आप जो था मोबाइल को पासवर्ड डाल करके दिखा दीजिए, तो वही पासवर्ड इसमें डालेगा और उसकी मोबाइल जो है खुल जाएगा। उसके बाद सेटिंग में जाकर के इस मोबाइल को फैक्ट्री रिसेट कर देना है ताकि दोबारा ये पासवर्ड ना मांगे। ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।